अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। राइट, सो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर रिवाइज किया था? यस मैम। जी मिस। नवील, आप बताओगे कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? मैम, नॉन फंक्शनैलिटीज ऑफ फूड पढ़े थे हमने। नॉन न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेसिकली, डिफरेंट फूड में उनका क्या कहते हैं फंक्शन देखा था, और देखा था कि वो हमारी बॉडी पे कैसे अफेक्ट करते हैं। तो क्या समझ आई थी आपको? नॉन न्यूट्रिएंट्स कैसे दिखाओगे, डिफाइन नॉन न्यूट्रिएंट्स? मैम, डिफरेंट नॉन फंक्शन के डिफरेंट फूड इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी पे, जैसे कि कहते हैं वो अगर हम कॉफी वगैरह का देखते हैं, लाइक कॉफी का उसकी टेस्ट और फूड में अगर उसकी एग्जाम्पल देखते हैं, वो टेस्ट के लिए स्मेल के लिए क्या कहते हैं उसकी जो कॉफी की होती है, वो एक उसमें लाइक ट्राइड और पायरोल जो होते हैं वो उसमें रोस्टिंग में उसकी हेल्प करते हैं। रोस्टिंग में जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। और मैम, लाइक इसमें हमने काफ़ी सारे फाइटोकेमिकल्स के बारे में पढ़ा था, उनको अगर स्केल में हमने डिस्कस किया था। ठीक हो गया, वेरी गुड। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने मैम? और इसके अलावा हमने उनकी मैम हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह पढ़े थे, फाइबर के बारे में पढ़ा था। अस्मा? यस मैम। अस्मा सर? यस मैम। फाइबर जो है वो हाउ फाइबर इज, व्हाई फाइबर इज कंसीडर्ड एज अ नॉन न्यूट्रिएंट, और इसका जो है वो बॉडी में क्या फंक्शन है? मैम, जो फाइबर है वो नॉट न्यूट्रिएंट इसलिए हम कहते थे क्योंकि उससे हमें कोई जो नहीं है न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, यानी कोई बेनिफिट सिर्फ ये मिलता है कि हमें वो जो नहीं है मेटाबॉलिज्म हमारा रेट जो नहीं है स्टमक का वो इंक्रीज कर देता है, दूसरा फुलफिलनेस सी फील होती है, और उसके अलावा फाइबर डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, इसलिए हम उसको नॉन न्यूट्रिएंट वगैरह जो नहीं है इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उससे हमें कोई ये स्ट्रक्चर के लिए, ये फंक्शन के लिए, ये इस लिहाज से वो इतना वो नहीं होता इम्पोर्टेंट, लेकिन मेटाबॉलिज्म के लिहाज से वो एक जो नहीं है इंक्रीजमेंट करता है उसमें रेट में, और दूसरा डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन बताएगा कि हमने और कौन से बायोएक्टिव और नॉन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स पढ़े थे जिनके एंडोक्राइन इफेक्ट होता है? मैम कहना है, मैम कहना जी महा, एंडोक्राइन इफेक्ट जिनका होता है उसमें एंडोर्फिन है जो कि प्रोड्यूस होता है कैसीन और ग्लूटेन प्रोटीन से, इसका ओपियोइड लाइक एक्टिविटी भी इफेक्ट होता है ब्रेन के रिसेप्टर्स पर। इसके अलावा ड्राइड बनानास में जो प्रेजेंट है सेसोलिनोल, इसका भी और क्या होता है मैम? ये पेन रिलीवर होता है जो कि इसका पेन रिलीवर इफेक्ट होता है ब्रेन पर। यस मैम। इंशरा, आप मुझे ये बताओ कि गार्लिक और टोमेटोज में वो कौन से ऐसे नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसका कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट है? मैम, गार्लिक में एलिसिन होता है जो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, और टोमेटोज में लाइकोपीन होता है जो ऑक्सीडेशन को भी कम करता है और हार्ट डिजीजेस को भी कम करता है। मुशाविया? यस मैम। आप मुझे ये बताओ कि चिलीज में वो कौन सा नॉन न्यूट्रिएंट है जिसका थर्मल इफेक्ट होता है? मैम, कैप्सेसिन होता है, उसका थर्मल इफेक्ट होता है। थर्मल इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज थर्मल इफेक्ट? मैम, थर्मल इफेक्ट ये कि अगर हम उसको खाते हैं तो हमारे अंदर जो है वो हीट जनरेट होती है, उसके अंदर जो कैप्सेसिन ग्लैंड होता है उसकी वजह से हमारे अंदर जो है हीट जनरेट होती है हमारी बॉडी में। तो
चलिए जी बच्चा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और राइट बच्चों, प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लास्ट लेक्चर में जो हमने ये दोनों नॉन यूटेंस पढ़े थे एलाइसन एंड कैप्सिसन, सो आप लोगों को इनको कैसे राइटली प्रोनाउंस करना है वो पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब वाइवा होता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर जो है ना वो समझ नहीं आता अगर वो राइटली प्रोनाउंस ना हो। सो मेक श्योर कि आप प्रोनाउंसिएशन जो है वो साथ साथ देखते रहा करें, खुद भी देखते रहा करें, सीखते रहा करें, और नहीं समझ आती तो पूछ लिया करें, ठीक है। आप लोगों को ये जो अपनी स्क्रीन पे डिफरेंट जी वो नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली माइक्रो एरे है। माइक्रो एरे जो है मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था, जब हम जीन को स्टडी करते हैं या डीएनए को स्टडी करते हैं हम उसको माइक्रो एरे एनालिसिस उसका करते हैं। और ये जो आपको डिफरेंट कलर्स के डॉट्स और सर्कल्स नजर आ रहे हैं बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ जीन्स को, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि ये क्रोमोसोम है और उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट कलर के जीन्स जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं। सो ये एक सिंपल एक ओवरव्यू है आप लोगों को ये बताने के लिए कि जो लिटरल जीनोमिक्स है वो बेसिकली हम इस लेवल के ऊपर जो है ना स्टडी कर रहे होते हैं कि कैसे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो जीन्स को अफेक्ट कर रहे हैं। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ डिफरेंट जीन्स व्हिच हैव बीन डिस्कवर्ड फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स। सो हर ट्रेट का, हर डिजीज का एक स्पेसिफिक जीन है। और फॉर सिंस अप टिल नाउ साइंस में या आप जीनोमिक्स के जीनोमिक्स में इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है कि डिफरेंट जीन्स विच आर रिलेटेड टू डिफरेंट फीनोटिपिकल ट्रेट्स एंड डिफरेंट डिजीज रिलेटेड ट्रेट्स दे हैव बीन डिस्कवर्ड। और ये आप लोगों के सामने एक एग्जांपल है कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं जीन्स को ऑन द क्रोमोसोम्स। इसके अलावा आप लोग अपनी स्टडीज में बहुत बार जो है वो देखते हैं जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हुई होती है माउस और रैट्स पे। सो ये बेसिकली एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि रैट्स और माउस में जो है वो डिफरेंस होता है। रैट्स जो है दे आर लार्जर एंड दे हैव थिक टेल्स एंड दे आर हैवियर एज कम्पेयर टू द माउस। दे आर स्मॉलर, दे हैव थिन टेल एंड दे आर लाइटर इन कलर। सो दीज आर जस्ट फन फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू योर कोर्स जो कि आप पढ़ रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द लेक्चर नंबर 10। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंट विटामिंस एंड हाउ डू दे रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। एंड टुडेज टॉपिक इज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन विटामिन के'स इफेक्ट ऑन जीन रेगुलेशन। हम सिर्फ विटामिन के को आज स्टडी करेंगे कि विटामिन के जो है वो जीन रेगुलेशन में क्या रोल प्ले कर रहा है और किस तरह से डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स को रेगुलेट करेगा, अफेक्ट करेगा। सो द कंटेंट ऑफ द लेक्चर इंक्लूड्स कोएगुलेशन एंड नॉन कोएगुलेशन रिएक्शन। अब हमें ये पता है कि विटामिन के का जो है ना वो कोएगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो हम स्टार्ट जो है वो रोल ऑफ विटामिन के साथ करेंगे और ये देखेंगे कि विटामिन के बॉडी में जो रोल प्ले कर रहा है तो जीन लेवल पे ऐसे क्या चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से वो बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट कर रहा है, स्पेसिफिकली कोगुलेशन और नॉन कोगुलेशन रिलेटेड रोल कैसे प्ले कर रहा है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस डेफिशिएंसी डिजीजेस। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या होगा, देन हाउ डज इट इन्फ्लुएंस ऑन द जीन एक्सप्रेशन। वी आर गोइंग टू स्टडी and learn about different vitamin K dependent proteins and genes. We are going to study different forms of vitamin K and how calcification of heart muscles takes place with the deficiency of vitamin K. So these are the general contents which you are going to learn and discover in this lecture. Learning outcomes, there are two important learning outcomes. Number one is to understand the vitamin K interaction with the gene. And number two is to understand how certain diseases occurs or how they can be prevented in the presence or absence of this vitamin. ठीक है, तो दो फोकस होंगे आपके, एक तो ये कि जीन एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट कर सकता है विटामिन के, और इसके अलावा
किस तरह से डिफरेंट डिजीजेस जो है वो हो सकते हैं विद द एक्सेस और विद द एब्सेंस ऑफ विटामिन के इन योर ब्लड. सो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट विटामिन के. विटामिन के जो है वो टू फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है. वी हैव विटामिन के वन एंड विटामिन के टू. ठीक है, अब विटामिन के वन और के टू दोनों में डिफरेंस है. के वन is basically known as, is also known as phylloquinone. और के वन के जो सोर्सेज हैं वो प्लांट ओरिजिन है. ये प्लांट बेस्ड डाइट के थ्रू हम कंज्यूम करते हैं विटामिन के वन. विटामिन के टू इज ऑल्सो नोन एज मीनाक्विनोन एंड इट इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन फूड और गट माइक्रोबायोटा. तो विटामिन के टू जो है वो या तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा, बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो फ्लोरा है वो विटामिन के टू का सिंथेसिस आपकी बॉडी में नेचुरली करता है. ठीक है, सो विटामिन के एंड विटामिन के टू आर यूज्ड डिफरेंटली इन द बॉडी, व्हिच मींस दैट विटामिन के एंड विटामिन के टू हैव डिफरेंट रोल्स इन योर बॉडी. विटामिन के वन इज मेनली यूज्ड फॉर द कोएगुलेशन रिएक्शन और ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, कोएगुलेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें आपका ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, अगर कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, और जब इंजरी हो और ब्लड जो है वो क्या कहते हैं, ब्लड जो है वो निकल रहा है, सो ब्लड जो है उस पॉइंट पे जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे ब्लड की कोएगुलेशन होती है ताकि हम ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर सकें, एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो. और ये बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिसमें विटामिन के वन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि विटामिन के वन के बगैर ब्लड क्लॉट नहीं बन सकता आपकी बॉडी में. सो विटामिन के वन का मेनली बॉडी में यही रोल है कि वो ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करता है. विटामिन के टू जो है इट इज इम्पॉर्टेंट इन द नॉन कोएगुलेशन एक्शन. सो विटामिन के का बॉडी में जो अदर देन कोएगुलेशन रिएक्शन जो रोल है उसको फुलफिल करने के लिए विटामिन के टू जो है वो रोल प्ले करता है. और नॉन कोएगुलेशन एक्शंस क्या हैं जिसमें विटामिन के जो है वो रोल प्ले कर सकता है, फॉर एग्जांपल बोन मिनरलाइजेशन, सेल ग्रोथ एंड ब्लड वेसल वॉल्स. सो ये इम्पोर्टेंट रोल है. अदर देन ब्लड कोएगुलेशन विटामिन के जो है वो बोन मिनरलाइजेशन को प्रमोट करता है, सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है और ब्लड वेसल्स की वॉल्स में कैल्सिफिकेशन को या कैल्सिफिकेशन के प्रोसेस को भी रेगुलेट करता है. ऑलराइट, सो आप लोगों को क्लियर हो गया कि विटामिन के जो है वो दो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है और ये दोनों फॉर्म्स जो है वो डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर रोल एंड इन टर्म्स ऑफ देयर ओरिजिन. ठीक है, जनरली अगर हम देखें विटामिन के का बॉडी में क्या रोल है, सबसे पहले तो ये कोएगुलेशन को प्रमोट करता है. और कोएगुलेशन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग है. इसके अलावा बोन सिंथेसिस में इसका रोल है. और लास्टली इट आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी जो वेसल्स की कैल्सिफिकेशन होती है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है, उसको ये प्रिवेंट करता है विटामिन के. अब हम ये सारे रोल्स जो है वो वन बाय वन देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे जो है जीन लेवल के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं. सो बिफोर मूविंग ऑन, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेंगे अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा. सो नॉर्मली विटामिन के डेफिशिएंसी इज अनकॉमन इन द एडल्ट बिकॉज द नॉर्मल बैक्टीरिया व्हिच इज फाउंड इन द गट कैन सिंथेसाइज द विटामिन के टू एंड द विटामिन मे बी कंज्यूम्ड फ्रॉम सेवरल फूड सोर्सेज. सो विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है वो रेयर है और रीजन उसकी ये है कि जो एडल्ट में जो गट फ्लोरा है वो नेचुरली विटामिन के को सिंथेसाइज करता है. इसके अलावा विटामिन के जो है वो डिफरेंट फूड सोर्सेज के थ्रू भी कंज्यूम कर लेते हैं. सो विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है वो वेरी रेयर है. फूड सोर्सेज की बात कर लेते हैं कि जो फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन के इंक्लूड्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज. इसके अलावा जो मीट सोर्सेज हैं सच एज फिश, लिवर, एग्स एंड सीरियल्स, दे आर आल्सो गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन के. सो फूड सोर्सेज भी आप लोगों को एज इट इज पता होनी चाहिए.
but deficiencies are rare, but there are exceptions as a result of which deficiency of vitamin K might occur in the newborns. So ये जो आप लोगों को bullet points नजर आ रहे हैं ये basically exceptions हैं जिसकी वजह से deficiency हो सकती है newborns में. Number one is the insufficient gut bacteria. So अगर किसी भी pathological condition की वजह से या कोई developmental issue की वजह से factor की वजह से newborns में gut flora जो है वो properly develop नहीं हो रहा और उसकी कॉम्पोजिशन जो है वो ऐसी है कि वो इनसफिशिएंट है तो विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है. इसके अलावा न्यूबॉर्न्स में अगर पुअर प्लेसेंटल ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन के है यानी मदर से जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस वो प्रॉपर नहीं हो रहे प्लेसेंटल ट्रांसपोर्ट जो है वो पुअर है तो विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है न्यूबॉर्न्स में. Low prothrombin synthetic capacity of the neonatal liver. So neonatal liver means के जो newborn का liver है अगर वो properly prothrombin को जो है वो synthesize नहीं करता तो उसकी वजह से भी vitamin K की deficiency हो सकती है. So these are the three reasons जिसमें specifically हम newborns के अंदर बात करें तो इन three reasons की वजह से newborns में vitamin K की deficiency हो सकती है. लेकिन adults में विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है वो रेयर है. इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिससे विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है. सबसे पहले अगर डाइटरी डेफिशिएंसी हो यानी अगर आपकी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मीट सोर्सेज जो है वो बहुत ही डेफिशिएंट है तो विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है. इसके अलावा फैट मैल अब्सॉर्प्शन की वजह से भी विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है. तो अब आप लोग मुझे ये बताएं कि हाउ दिस फैट मेल एब्जॉर्प्शन इज रिलेटेड विद द विटामिन के डेफिशिएंसी क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है इस वजह से फैट नहीं होगी तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होएगा. वेरी गुड. ठीक है अगर किसी भी रीजन की वजह से आपकी बॉडी में फैट मेल एब्जॉर्प्शन है ठीक है तो विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है सिंस इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन. Then surgical interventions of the intestine. Now, how surgical interventions of the intestine are promoting vitamin K deficiency? कौन बताएगा ये? Gut flora की वजह से. Flora को favor करेगा. Very good, Sameer. हाजरा आप क्या कह रहे थे बच्चे? मैम गट फ्लोरा में संतुलन होता है ना इस वजह से इसकी डेफिशिएंसी होगी. वेरी गुड. ठीक है अगर इंटेस्टाइनल सर्जरी हो या कोई भी ऐसी इंटरवेंशन हो जिसमें इंटेस्टाइन डैमेज हो रहा है तो हमारा गट फ्लोरा डिस्टर्ब होगा और गट फ्लोरा डायरेक्टली सिंथेसाइज कर रहा विटामिन के इन योर बॉडी. देन क्रॉनिक लिवर डिजीजेस आर आल्सो एसोसिएटेड विद विटामिन के डेफिशिएंसी. सो हाउ डज क्रॉनिक लिवर डिजीज रिलेट विद द विटामिन के डेफिशिएंसी? Because prothrombin is stored in the liver. Very good. Capacity jo hai wo affect hogi. Last point hai prolonged intake of the antibiotics. Kaun batayega how prolonged intake of antibiotics is promoting vitamin K? Flora ko Arup Jaisal. हाँ जी बच्चों how does prolonged intake of antibiotic is promoting vitamin K? मैम antibiotics affect करेंगे ना gut flora को इस वजह से. Very good. ठीक है antibiotic intake की वजह से gut flora जो है या उसमें disturbance आ सकती है उसकी composition जो है वो change हो सकती है. तो हम ये देख सकते हैं कि gut flora कितना important role play कर रहा है आपको protect करने में against different diseases. Alright. मैम मैम स्पेसिफिकली फिर गट फ्लोरा की वजह से विटामिन K2 की डेफिशिएंसी होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ विटामिन K2 जो है वो मेटाबोलाइज सिंथेसाइज होता है गट फ्लोरा में. मतलब कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग जो है वो वैसे ही कंटिन्यूड रहेगी.
बिल्कुल, लेकिन जो दूसरे का विटामिन के फंक्शन है वो इफेक्ट होंगे, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस और कैल्सिफिकेशन ऑफ योर ब्लड वेसल्स, इसके अलावा बोन मिनरलाइजेशन ये नेगेटिवली इफेक्ट होगा। ओके मैम, थैंक यू। और मैम जो पोरस बोन्स होती हैं वो भी इसी में इंक्लूड होगा? उसके लिए मल्टीपल रीजंस होती हैं, लेकिन वन ऑफ द मेन कॉज जो जीन लेवल पर ऑब्जर्व किया गया है वो ये है कि विटामिन के इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बोन मिनरलाइजेशन में, तो बिल्कुल विटामिन के जो है वो पोरस बोन्स को भी प्रमोट करता है। इट इज वन ऑफ द अंडरलाइंग कॉज जिसकी वजह से बोन्स जो है वो ब्रिटल होती है। विटामिन के इज अ मल्टीफंक्शनल न्यूट्रिएंट मींस के जी इसका जो है वो मल्टीपर्पज है और थ्री इंपॉर्टेंट रोल्स तो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होने चाहिए जो हम लोगों ने भी डिस्कस किए, ठीक है जी। वेरियस टिश्यूज मॉडिफाई देयर फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू द विटामिन के बायो अवेलेबिलिटी मेनली थ्रू पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन को देख रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। विटामिन के जो है अगर हम देखें वो कैसे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, तो बेसिकली पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल के ऊपर मॉडिफिकेशन होती है, और स्पेसिफिकली जो विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं जीन लेवल के ऊपर विद द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द विटामिन के और विद दी विटामिन के स्टेटस इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में विटामिन के का इनटेक और विटामिन के की बायोअवेलेबिलिटी स्टेटस जैसा भी होगा वो रेगुलेट कर रहा है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन्स, ठीक है। अब अगर मैं आपको, हमने विटामिन के पढ़ा, ठीक है, और स्पेसिफिकली इसके हमने तीन रोल्स देखे हैं। सबसे पहला रोल क्या था? कोएगुलेशन, बोन सिंथेसिस, बोन मिनरलाइजेशन। प्रिवेंशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, सेल ग्रोथ। अच्छा, जो अब जो पूरा लेक्चर है ना वो इस की को अपने माइंड में रख के हम कवर करेंगे, ठीक है। मैंने ये कहा कि विटामिन के का बॉडी में ये रोल है, जो अभी इम्पोर्टेंट बात आपको स्लाइड पे नजर आ रही है ये है कि ये जितने भी रोल्स और फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है जीन लेवल के ऊपर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो। तो मुझे ये बताया पोस्ट ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या है? Mom, after the protein is made. Mom, after उसके बाद में बनना modification के बाद में। यानी कौन सा after? सर्फ़ा किसने बोला था? हाँ जी बच्चों, post translation क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद उसमें मॉडिफिकेशन। यस मैम, आफ्टर द प्रोटीन इज मेड और आफ्टर ट्रांसलेशन। ठीक है, जब हम देखते हैं अपनी हेरिडिटी की, ये देखें बच्चों, हम लोग हम अगर अपनी देखें डीएनए फॉर्मेशन जाती है आरएनए में, ठीक है, और फिर आरएनए फर्दर ट्रांसलेट होता है इनटू प्रोटीन। प्रोटीन इस लेवल पे जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होती है, इस लेवल पे ट्रांसलेशन। जैसे ये अभी तक आप जितने भी न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़े हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वो सारे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे चेंजेस लेके आते थे, लेकिन विटामिन के जो है ना वो इस लेवल के ऊपर चेंज लेके आ रहा है विच इज ट्रांसलेशन। जब डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई है और इसके बाद प्रोटीन्स जो है वो बन गई है। तब ये आप लोगों को समझ आ गई लाइन के जो विटामिन के है
would regulate karta hai post translational modification of the vitamin k dependent proteins. ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन पीटीएम रेफर्स टू द कोवेलेंट एंड जनरली एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स फॉलोइंग द प्रोटीन बायोसिंथेसिस. यानी जब प्रोटीन बन जाएगी आपकी बॉडी में तो उसमें या तो कोई एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन होगी या कोवेलेंट चेंजेस आते हैं. Proteins are synthesized by the ribosomes translating the messenger RNA into the polypeptide chains, which may then undergo post-translational modification to form the mature protein product. All right, clear? समझ आ गया? ये बहुत important concept है बच्चों, समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. इसके साथ हमने discuss किया जी के post translational modification किसमें आ रही है? Vitamin K dependent protein. अब जो ये vitamin K dependent proteins हैं, they are also known as gamma carboxyglutamate GLA. हम इनको GLA domain proteins भी कहते हैं. ठीक है, हम इनकी short form है BKD proteins. BKD basically stands for vitamin K dependent proteins. ठीक है, और इसको हम कहते हैं GLA domain protein. ठीक है जी, अब ये देख लेते हैं जी कि ये क्या है. GLA जो है वो शॉर्ट फॉर्म है गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट. अब विटामिन के जो है ना, इट बेसिकली एक्ट एज अ कोएंजाइम फॉर द कार्बोक्सिलेज. कार्बोक्सिलेज क्या है? व्हाट इज कार्बोक्सिलेज? किसी को पता है? ये एंजाइम है एक. कोएंजाइम क्या होता है? जो एंजाइम के साथ मिलकर जो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है. तो बेसिकली विटामिन के जो है वो कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है और उसके एफिशिएंसी को प्रमोट करता है ताकि वो बॉडी में डिफरेंट रोल प्ले कर सके. और कार्बोक्सिलेज अगर स्पेसिफिकली देखेंगे वो क्या करता है, कैटलाइजेस द कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट टू द गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट. सो हम ये अगर रिएक्शन देखें, विटामिन के का क्या रोल है कि विटामिन के जो है वो ग्लूटामेट की कार्बोक्सिलेशन करवा रहे हैं टू गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट. GLU को की कार्बोक्सिलेशन होगी और GLA डोमेन में कन्वर्ट होगा. यहाँ बीच में जो है वो विटामिन के इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि ये जो एंजाइम है जो कि कार्बोक्सिलेशन करवाता है, विटामिन के जो है वो उसकी एफिशिएंसी को या उसको एक्टिवेट करने में रोल प्ले करेगा. ऑलराइट, सो विटामिन के बेसिकली बॉडी में एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है फॉर द कार्बोक्सिलेज एंजाइम. Goal of the vitamin K in the carboxylation of specific protein is a cyclic process and it is called as vitamin K cycle. These proteins are known as vitamin K dependent BKD proteins. The GLA domain is responsible for the high affinity of binding of calcium ions. अब ये GLA domain protein BKD protein की एक specific characteristic है. ये कैल्शियम आइंस की बाइंडिंग को प्रमोट करती है. ठीक है जी, सो GLA डोमेन इज आल्सो नोन टू बी फाउंड इन डिफरेंट प्रोटीन्स सच एज कोएगुलेशन फैक्टर्स. देन विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन S एंड Z, prothrombin, osteocalcin, matrix GLA protein,
both arrest specific protein 6, GAS6. ठीक है, अब ये जो हमारी GLA domain proteins हैं, ये basically five different group of genes को के साथ जो है ये related है, जिसमें हमारे पास coagulation factor भी आ जाते हैं, जो coagulation factors जो कि blood coagulation और blood clot को promote कर रहे हैं आपकी body में, वो GLA domain में आते हैं. इसके साथ साथ विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन एस और जी भी जो है वो जीएलए डोमेन है. प्रोथ्रोम्बिन, ऑस्टियोकैल्सिन. अब ये ऑस्टियोकैल्सिन क्या है? व्हाट इज ऑस्टियोकैल्सिन? बोन रिजॉर्प्शन प्रोटीन, इन बोन के ब्रेकडाउन होते हैं. खुदा आपका जो है ना माइक में बहुत ज्यादा शोर है, इस वजह से बाकी बच्चों की भी आवाज नहीं आती. अनुज आपने बताया, यस मैम, गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड कंटेनिंग प्रोटीन. मैंने पूछा था कि ऑस्टियोकैल्शियम क्या होता है. मैम कैल्शियम बाइंडिंग, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है इन चिक बोन में, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन. तो ये जितनी भी प्रोटीन्स हैं ओवरऑल बॉडी में, ये दीज आर इन्वॉल्वड इन द कोएगुलेशन प्रोसेस, बोन मिनरलाइजेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस. ठीक है, तो हम कहने के लिए हमने डिस्कस किया था कि जो विटामिन के है वो ये तीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. लेकिन विटामिन के अगर हम देखें कि कैसे ये रोल प्ले कर रहा है, बाय एक्टिंग एज अ कोएंजाइम फॉर द कार्बोक्सिलेज. और कार्बोक्सिलेज जो है वो GLA वो ग्लूटामिक एसिड को कन्वर्ट करता है गैबा ग्लूटामिक एसिड में, और GLA डोमेन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है. और GLA डोमेन प्रोटीन्स में ये सारी प्रोटीन्स आ जाती हैं जो कि कोएगुलेशन, बोन मिनरलाइजेशन और एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करने में रोल प्ले करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द रोल ऑफ विटामिन के इन कोएगुलेशन. Carboxylated glutamate chelates the calcium ions, permitting the binding of blood clotting proteins, that is clotting factors including 2, 7, 9, 10 protein Z. All of these clotting factors and protein Z possesses the glutamic acid. समझ आ गई अब आप लोगों को कि vitamin K जो है वो glutamic acid को convert करेगा, कार्बोक्सिलेशन करेगा उसकी, और ये जो कार्बोक्सिलेटेड ग्लूटामिक एसिड है ये कैल्शियम आयन की बाइंडिंग को प्रमोट करता है. फिर जब कैल्शियम आयन जो है वो चिलेट होंगे ग्लूटामिक एसिड के साथ, तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो है और प्रोटीन्स ये दोनों जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और इस तरह से ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, सो ये समरी है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है. रिएक्शन वो ये एक वन लाइन में इसको समराइज करती हूँ मैं. ग्लूटामिक एसिड जो है वो विद द हेल्प ऑफ विटामिन के एंड कार्बोक्सिलेज गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट होगा. फिर ये जो है कार्बोक्सिलेटेड ग्लूटामेट जो है वो इट हैज हाई एफिनिटी फॉर द कैल्शियम आयंस. कैल्शियम आयंस के साथ जाके बाइंड होंगे, वो एक्टिवेट करेंगे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को और क्लॉट फॉर्मेशन. ठीक है, सो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स रिक्वायर कैल्शियम टू बाइंड एंड फॉर एक्टिवेशन. कैल्शियम कैन ओनली बाइंड आफ्टर द गैमा कार्बोक्सिलेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्लूटामिक एसिड, एंड दिस गैमा कार्बोक्सिलेशन इज डिपेंडेंट ऑन विटामिन के. दस विटामिन के एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. क्लियर हो गई बात? समझ आया बच्चों? यस मैम, यस मैम. बतूल क्या समझा है? मैम मैं बताऊं? खुदा खुदा बताइए.
मैम जो ग्लूटामेट है वो कार्बोक्स वो इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के और कार्बोक्सिलेशन विटामिन के एज एक्ट एज अ कोएंजाइम जो कि कार्बोक्सिलेशन की एक्टिविटी को इन्हांस करेगा और उसको और ग्लूटामेट को जो है वो GLA यानी गैमा कार्बोक्सिलेशन में उसको कन्वर्ट करेगा जो कि हाईली अफिनिटी रखता है कैल्शियम आयंस के साथ बाइंडिंग आयन के साथ बाइंड करने में जो कि एक्टिवेट करेगा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को जिसकी वजह से हमारे जो है वो बॉडी में ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होगी वेरी गुड एक्सेलेंट ऑलराइट सो मूविंग ऑन हाउ डज विटामिन के डेफिशिएंसी लीड्स टू द ऑस्टियोपोरोसिस ये जो सेकंड पार्ट है बोन मिनरलाइजेशन का हम इसको डिस्कस करेंगे ठीक है अब बोन मिनरलाइजेशन में विटामिन के का क्या रोल है कि विटामिन के promotes the bone mineralization by increasing the osteoblast differentiation and upregulates the transcription of genes in the osteoblast. So directly gene level के ऊपर vitamin K role play कर रहा है bones mineralization में और कैसे करता है कि ये जो osteoblast cells हैं उनकी differentiation को increase करता है उसको promote करता है by upregulating the transcription of the genes in the osteoblast. इसके साथ साथ विटामिन के जो है इट एक्टिवेट्स द बोन एसोसिएटेड विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन्स सच एज ऑस्टियोकैल्सिन मैट्रिक्स GLA प्रोटीन एंड प्रोटीन एस ऑल ऑफ दीस थ्री प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन द बोन मिनरलाइजेशन और ये तीनों प्रोटीन्स जो है वो VKD प्रोटीन्स और GLA डोमेन प्रोटीन्स हैं यानी ये विटामिन के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर एक्टिवेशन So their synthesis is dependent on vitamin K and these are the bone proteins which are found in bones. So बच्चों जब आप ये lecture prepare करेंगे ना तो आपने देखने के coagulation में कौन सी VKD proteins involved हैं, bone mineralization में कौन सी VKD involved हैं और vitamin K का क्या role है ठीक है तो bones में जो तीन proteins हैं वो है osteocalcin, matrix GLA protein and protein S. और कोएगुलेशन में कौन कौन सी थी एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स थे ठीक है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोटीन जी और प्रोटीन एस और प्रोटीन जी थी और बोन सिंथेसिस में हम क्या देखते हैं एक ऑस्टियोकैल्सिन है और मैट्रिक्स GLA प्रोटीन एंड प्रोटीन एस और ये सारी प्रोटीन जो भी आपको नजर आ रही है विटामिन के डिपेंडेंट GLA डोमेन प्रोटीन है ऑस्टियोकैल्सिन का सिंथेसिस भी अगर हम वन लाइन में देखें तो कैसे होता है कि ग्लूटामिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलेज गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट में ठीक है गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट की एक एग्जाम्पल में जो है वो ऑस्टियोकैल्सिन आ जाता है और ऑस्टियोकैल्सिन जो है इट हैज हाई एफिनिटी फॉर द कैल्शियम आयंस सो कैल्शियम आयंस जो है वो उसके साथ बाइंड करेंगे और इस तरह से बोन मिनरलाइजेशन को प्रमोट करेंगे तो ऑस्टियोकैल्सिन सिंथेसिस इज विटामिन के डिपेंडेंट बोन मिनरलाइजेशन और ऑस्टियोकैल्सिन के एक्टिवेशन में जो है वो विटामिन के का क्या रोल है कि ये एक्टिवेट कर रहा है ऑस्टियोकैल्सिन को ठीक है और एक्टिवेट कैसे करता है हाउ डज विटामिन के एक्टिवेट्स द ऑस्टियोकैल्सिन बाय कार्बोक्सिलेशन वेरी गुड बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड इसके साथ साथ जो विटामिन डी है बच्चों उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बोन मिनरलाइजेशन में तो विटामिन डी जो है वो कंट्रोल करता है सिंथेसिस ऑफ द ऑस्टियोकैल्सिन थ्रू ऑस्टियोब्लास्ट डिफरेंशिएशन So vitamin D and vitamin K, both of them plays an important role in the activation and synthesis of osteocalcin and promotion of the bone mineralization. Vitamin K helps to convert the 3 glutamic acid residues so that the osteocalcin can bind the calcium in the bone. So basically vitamin K jo hai wo activate kar raha hai glutamic acid ko into the glutamate
कार्बोक्सी ग्लूटामेट और फिर इस तरह वो विटामिन उसकी एफिनिटी फॉर द कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगी और बोन्स के साथ जाके वो अटैच हो जाएगा. So we can sum up that vitamin D and vitamin K, both of them regulate the synthesis and activation of the osteocalcin. इसके साथ साथ हमने matrix GLA protein और protein S भी पढ़ा था. इन दोनों का role bone synthesis और mineralization में क्या है. Matrix GLA protein has been found in the bones, cartilage and soft tissues including the blood vessels. It prevents the calcification of soft tissues and cartilages while facilitating the normal bone growth and development. On the other hand, protein S ka kya role hai? Protein S is the vitamin K dependent anticoagulant protein. It is also synthesized by the osteoblast, but its role in the bone metabolism is unclear. So children with inherited protein S deficiency suffer complications related to the increased blood clotting as well as decreased bone density. Okay. Although its relationship with the bone metabolism unclear hai, but according to the research, the logon mein protein S ki deficiency hoti hai. They suffer from the complications which are related to the increased blood clotting and decreased bone लास्ट पॉइंट जो विटामिन के का था कि वो एक्सेसिव फ्लोरोसिस में क्या रोल प्ले कर रहा है हम इसको डिस्कस करेंगे. सो विटामिन के जो है नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स द बोन्स फ्रॉम वीकनिंग और फ्रैक्चर बट इट आल्सो प्रिवेंट्स द कैल्सिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और हार्ट वेसल्स. सो हम ये देख सकते हैं कि अगर सफिशिएंट विटामिन के होगा देयर इज नो कैल्शियम डिपोजिशन आर्टरीज आर मोर सॉफ्ट एंड इलास्टिक. While agar when there is a deficiency of vitamin K or lack of vitamin K, we can see the calcium deposition in the arteries and the arteries are more stiff and hard. So vitamin K deficiency leads to the hardening of the arteries and heart walls. Ab blood vessels mein jo three important vitamin K dependent proteins hain, unke name hain matrix GLA protein. Growth arrest specific protein बच्चों क्लास नोट्स आप साथ साथ बनाते रहें. इसको अगर आप नोट से पढ़ेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा समझना. लास्ट जो है वो है क्यूरियोसिटी. तो आप लोगों को स्लाइड पे जो है वो हम लास्ट फंक्शन ऑफ विटामिन के पढ़ रहे हैं कि कैसे विटामिन के जो है वो हार्ट हेल्थ को प्रमोट कर रहा है. तो बेसिकली विटामिन के जो है वो थ्री विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने में रोल प्ले करता है बाय एक्टिंग एज अ कोएंजाइम. और वो कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं? इंक्लूड्स द मैट्रिक्स जीएलए प्रोटीन व्हिच प्रिवेंट्स द कैल्सिफिकेशन विद इन द सेल वॉल. ग्रोथ अरेस्ट स्पेसिफिक प्रोटीन 6 and it protects the cell wall, resists apoptosis. Then lastly, we have periostin, which promotes the reconstruction of the heart vessels. All right, so vitamin K mein agar hum minoquinone, for example, minoquinone kaun sa hai? Vitamin K2. इसका रोल देखें कि ये क्या कर रहा है कि ये मैट्रिक्स जीएलए प्रोटीन को जब ये एक्टिवेट करेगा तो कैल्शियम का जो इनटेक है वो ब्लड में कम होगा एंड इट विल प्रमोट द इनहिबिशन ऑफ द वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन. ऑन द अदर हैंड ऑस्टियोकैल्सिन अगर एक्टिवेट हो तो वो ब्लड में जो है कैल्शियम के अपटेक को प्रमोट करता है और उससे बोन मिनरलाइजेशन को या कैल्शियम बाइंडिंग इन द बोन्स को प्रमोट करेगा. तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों जो है विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन्स की एग्जांपल हैं. सिंस बोथ ऑफ देम हैव हाई एफिनिटी फॉर द कैल्शियम, लेकिन अगर हम देखें तो मैट्रिक्स जीएलए प्रोटीन जो है वो ब्लड में से कैल्शियम लेवल्स को कम करता है क्योंकि इसकी हाई एफिनिटी होती है विद कैल्शियम
और इस तरह से वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन को इंक्रीज करेगा। ऑन द अदर हैंड ऑस्टियोकैल्सिन जो है वो प्रमोट करेगा बोन्स के अंदर कि बोन्स में जो है वो कैल्शियम अपटेक ज्यादा हो और उससे बोन मिनरलाइजेशन को ही प्रमोट करेगा। सीकेडी एंड विटामिन के डेफिशिएंसी, अब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग रिसर्च थी और इसकी फाइंडिंग्स हैं आप लोगों के सामने। इस रिसर्च में ये देखा गया है जो सीकेडी पेशेंट्स हैं उनमें विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है ना वो कॉमन है। सीकेडी पेशेंट्स कौन से होते हैं? हाँ जी, क्रॉनिक किडनी पेशेंट, किडनी डिजीज पेशेंट्स। वेरी गुड, ठीक है। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के जो पेशेंट्स हैं जिनको किडनी फेलियर हो या कोई भी किडनी प्रॉब्लम हो, दे अपीयर टू हैव विटामिन के डेफिशिएंसी फॉर एटलीस्ट टू रीजंस, ठीक है। और वो ये रीजंस थी कि नंबर वन इज द रिड्यूस्ड डाइट्री इनटेक एंड रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन एंड एक्टिविटी ऑफ VKOR। VKOR stands for vitamin K epoxide reductase. ये एक एंजाइम का नाम है जो कि विटामिन के को एक्टिवेट करता है इन योर बॉडी। पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन के क्या है? पीने की वेजिटेबल्स, फिश, मैम फिश, लीवर, सीरियल, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, फिश, लीवर, मीट, एग्स। वेरी गुड, वेरी गुड। सो बच्चों अब देखो, जो किडनी पेशेंट्स होते हैं हम उनकी डाइट में जो है प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करते हैं। तो जब हम डाइटरी सोर्सेज रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स जो कि बॉडी फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं वो भी रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर किडनी पेशेंट्स की बात करें, जब हम प्रोटीन की रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं तो विटामिन के जो है वो भी प्रोटीन सोर्सेज के साथ रिलेटेड है। तो इस तरह से उनका डाइट्री इनटेक जो है जब कम होगा तो विटामिन के की डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ बॉडी में जो चेंजेस आते हैं जो किडनी पेशेंट्स हैं उनमें ये होता है कि जीन लेवल के ऊपर VKOR जो कि एक एंजाइम है जो विटामिन के को कन्वर्ट कर रहा है इनटू एन एक्टिवेटेड फॉर्म, वो उसका एक्सप्रेशन कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है जब डाइट में जो है वो रिस्ट्रिक्शन है या डाइट में जो है सफिशियंट अमाउंट ऑफ विटामिन के नहीं है तो उसकी वजह से जीन के ऊपर भी चेंजेस आएंगे और जीन में स्पेसिफिकली जो VKOR है विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम उसका एक्सप्रेशन जो है वो कम होता है। ये एक रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं जो आप लोगों को सामने आपके साथ शेयर की है। इसी रिसर्च के अकॉर्डिंग जब विटामिन के पेशेंट्स जो है जब CKD के पेशेंट्स यानी जो किडनी के पेशेंट्स हैं उन्हें जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो साथ साथ उनको CVD होने के भी चांसेस हैं, उनका रिस्क फॉर द CVD जो है वो ज्यादा हो जाता है। अब CVD क्या है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। जब आप लोग प्रैक्टिस में जाते हैं आप ऑब्जर्व करते हैं कि नॉर्मली जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनको किसी ना एक पॉइंट पे आके ना उनको CVD के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। अब उसकी रीजन ये है, इस रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मैंने लिंक निकाला है वो ये है कि जो CKD पेशेंट्स हैं उन्हें जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन के की डेफिशिएंसी के साथ साथ जो हार्ट हेल्थ, क्योंकि विटामिन के जो है वो हार्ट हेल्थ को प्रमोट कर रहा है कैल्सिफिकेशन को इनहिबिट करके, वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन को इनहिबिट करके। जब बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ द विटामिन के डेफिशिएंसी दे आर प्रोन टू डेवलप द CVD and vitamin K is the key regulator for the vascular calcification via carboxylation of GLA domain proteins, osteocalcin, such as osteocalcin. ठीक है, समझ आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि CKD patients को CVD होने के chances क्यों होते हैं तो आप ये बताएंगे कि जो CKD पेशेंट हैं यानी जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनमें विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि उनकी डाइट रिस्ट्रिक्ट होती है और दूसरा उनकी बॉडी में VKOR का एक्सप्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। तो जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे बिकॉज विटामिन के एक्ट्स एज अ
cofactor for the regulation for the carboxylation of GLA domain proteins such as osteocalcin. ठीक है, और हार्ट में हमने और भी पढ़ी है विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन्स, जिसमें मैट्रिक्स जीएलए प्रोटीन आती है, ग्रोथ अरेस्ट प्रोटीन आती है और पीरियोस्टिन आती है. समझ आ गए बच्चों? एनी क्वेश्चंस? मैम सीकेडी में हम किडनी स्टोन्स वाले पेशेंट्स में इंक्लूड करेंगे या नहीं? दोबारा बोले मैम, सीकेडी में किडनी स्टोन्स वाले पेशेंट्स भी इंक्लूडेड होंगे? चलो जी, गुड क्वेश्चन. अब आप लोग पहले मुझे ये बताएं कि जी सीकेडी क्या होता है. हाँ जी, क्रॉनिक किडनी डिजीज. हाँ, क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या होता है? When our kidney is lost during a course of time, kidneys khatam ho jati hain, I think. Jo abhi ye Amina ka question hai ki jo kidney stones ke patients hain wo CKD mein aate hain? Yes ma'am, aayenge. Yes ma'am. Theek hai, jo CKD mein basically bachcho kidney failure ho jata hai. तो अगर किसी भी वजह से किडनी फेलियर को अगर हम डिफाइन करें, इसका मतलब होता है कि जो किडनी फंक्शन है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो रहा. तो किडनी का मेन फंक्शन फिल्ट्रेशन का है, वो प्रॉपरली फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा, किडनी फेलियर है. सो सीकेडी में बेसिकली जो है वो किडनी फेलियर होता है और किडनी फंक्शन का लॉस होता है. ठीक है, तो जो स्टोन वाले पेशेंट्स हैं, अगर उनका जो किडनी फंक्शन है वो नेगेटिवली इफेक्ट नहीं हुआ तो वो सीकेडी में नहीं आता. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके स्टोन्स होते हैं लेकिन उनका किडनी फंक्शन नॉर्मल होता है, वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही होती है. ठीक है, अच्छा जी, नॉर्मल किड. अच्छा, ये जो है वो बेसिकली जो स्लाइड आपको नजर आ रही है ये भी एक रिसर्च की फाइंडिंग है, और इसमें ये देखा गया है कि जो विटामिन के है वो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को और इसके साथ इंसुलिन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है. ठीक है, अगर नॉर्मल किडनी फंक्शन होगा और विटामिन के जो है वो रिपीटेड है, रिपीटेड मीन्स व्हाट इज रिपीशन? ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. रिप्लीशन क्या है? व्हाट इज रिप्लीशन? एडिशन. और किसी और को पता है? मैम उसके स्टोर्स होंगे बॉडी में. ये किसने बताया मुझे? जो बॉडी में स्टोर्स हैं वो यूज हो रहे हैं, वो रिप्लीट हो रहे हैं. ठीक है, अगर किडनी का फंक्शन नॉर्मल है, किडनी स्टोर्स जो है यानी किडनी जो सॉरी विटामिन के जो है वो नॉर्मली यूज हो रहा है आपकी बॉडी में, तो वो कार्बोक्सिलेशन करेगा. कार्बोक्सिलेशन स्पेसिफिकली हम इसमें ऑस्टियोकैल्सिन को देख रहे हैं, स्पेसिफिकली ऑस्टियोकैल्सिन का रोल देख रहे हैं कि जी वो कैसे हार्ट हेल्थ को प्रमोट कर रहा है और इंसुलिन में रोल प्ले कर रहा है. तो जब कार्बोक्सिलेशन होगी ऑस्टियोकैल्सिन एक्टिवेट होगा. ये जो ऑस्टियोकैल्सिन है ना, ये डायरेक्टली इंसुलिन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है या इंसुलिन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है. ऑस्टियोकैल्सिन नॉर्मली फंक्शन करेगा, एक्टिवेट होगा तो इंसुलिन की सिक्रीशन होगी, ये प्लस का साइन है. और साथ साथ वो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वो कैल्सिफिकेशन को इनहिबिट कर रहे हैं. अगर किडनी फंक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो या क्रॉनिक किडनी डिजीज हो किसी भी इंडिविजुअल को, उसमें विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है. तो विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो अंडर कार्बोक्सिलेटेड ऑस्टियोकैल्सिन होगा, अनकार्बोक्सिलेटेड ऑस्टियोकैल्सिन होगा, यानी ऑस्टियोकैल्सिन की कार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही, वो एक्टिवेट नहीं हो रहा. जब ऑस्टियोकैल्सिन एक्टिवेट नहीं होगा तो कैल्शियम बाइंडिंग नहीं होगा, वो कैल्शियम को अट्रैक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, तो इसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर कैल्सिफिकेशन ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे और कार्डियोवैस्कुलर कैल्सिफिकेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी और इंसुलिन जो है उसकी सिक्रीशन जो है वो इनहिबिट हो जाती है. सो किडनी
डिजीज की वजह से इंसुलिन सेक्रेशन भी इनहिबिट होगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी इफेक्ट होगी, जो अक्सर आप ये भी देखते हैं कि जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनमें डायबिटीज भी ज़्यादा हो जाती है, इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हो जाती है। और उसके रीज़न जो है हम ये देख रहे हैं कि वो ये है जो आज के लेक्चर में आप और रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देख रहे हैं, तो जो वाइटामिन के है ये मेन कॉज है, ये वाइटामिन के की डेफिशिएंसी मेन कॉज है जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम भी हो रहा है और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, समझ आ गई। So what is the role of vitamin K in insulin sensitivity? One of the osteocalcin function is to increase the insulin production and insulin synthesis. So हमारी body में osteocalcin जो के bone mineralization में एक important role play कर रहा है, इसी तरह ये heart health को promote करने में एक role play कर रहा है, इसके साथ साथ ये insulin production में भी इसका एक important role होता है। Now lastly we are going to discuss the role of warfarin. पहले तो आप मुझे बताएं कि warfarin क्या है। warfarin मैम ड्रग है, ब्लड थिनर है, एंटीकोगुलेंट, ब्लड थिनर, वेरी गुड अक्सा। जरा आप मुझे ये बताएं कि एंटीकोगुलेंट ब्लड थिनर का मीनिंग क्या है। मैम ब्लड ब्लड जो है वो वेन्स में से इजीली पास हो जाएगा, मतलब फ्लो हो जाएगा, इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। बेसिकली ये जहाँ हम ब्लड कोएगुलेशन को पढ़े हैं वहाँ वारफेरिन को डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि वारफेरिन जो है वो एक ऐसा ड्रग है जो कि एज एन एंटी कोएगुलेंट या ब्लड थिनर के तौर पर यूज होता है, यानी ब्लड की कोएगुलेशन को जो है ये इनहिबिट करता है। ठीक है, इसका ऑपोजिट रोल है विटामिन के में। विटामिन के जो है वो ब्लड कोएगुलेशन को प्रमोट करते हैं, वारफेरिन जो है वो ब्लड कोएगुलेशन को इनहिबिट कर रहा है, ब्लड थिनिंग को प्रमोट कर रहा है। तो बेसिकली जो वारफेरिन ड्रग है वो विटामिन के साइकिल के ऊपर एक्ट करता है, जो ये विटामिन के का साइकिल है जिसमें विटामिन के जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, तो वारफेरिन जो है वो बेसिकली विटामिन के साइकिल को अफेक्ट करता है दो पॉइंट्स पे। सबसे पहले इट विल ब्लॉक द क्विनोन रिडक्टेज, जहां पे विटामिन के जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं थ्रू द विटामिन के हाइड्रोक्विनोन। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे जहां पे विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज जो है वो एंजाइम एक्ट करता है, ये इस पॉइंट के ऊपर आके भी इसको ब्लॉक करता है वारफेरिन। सो वारफेरिन आपके बॉडी में बेसिकली विटामिन के साइकिल को अफेक्ट करता है, विटामिन के पाथवे को अफेक्ट करता है दो पॉइंट्स पे। दो पॉइंट्स पे विटामिन के पाथवे को ब्लॉक करता है। एक पॉइंट है क्विनोन रिडक्टेज, जहाँ पे विटामिन के जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा पॉइंट है एपॉक्साइड रिडक्टेज VKOR का, जहाँ पे विटामिन के एपॉक्साइड की रिसाइक्लिंग हो रही है इनटू द विटामिन के। अब ये जो लास्ट स्लाइड है ये इसमें फिर से ऑस्टियोकैल्सियम को हमने डिस्कस किया हुआ है कि ऑस्टियोकैल्सियम इन द बोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के इट विल प्रमोट द नॉर्मल ऑस्टियोकैल्सियम एंड कार्बोक्सिलेट ऑस्टियोकैल्सियम, और उसकी वजह से कैल्शियम जो है वो नॉर्मली जाएगा बोन्स में, बोन मिनरलाइजेशन को प्रमोट करेगा। लेकिन अगर हम वारफेरिन जो है वो ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं तो वारफेरिन की वजह से विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन के साइकिल या पाथवे जो है वो इफेक्ट होगा, तो वो इफेक्ट होगा तो ऑस्टियोकैल्सियम प्रॉपर्ली जो है वो कार्बोक्सिलेशन ऑस्टियोकैल्सियम की नहीं होगी, वो अंडर कार्बोक्सिलेटेड रहेगा। जब ऑस्टियोकैल्सियम अंडर कार्बोक्सिलेटेड रहेगा तो उसकी वजह से हार्ट हेल्थ भी अफेक्ट होगी, इंसुलिन सेक्रेशन अफेक्ट होगी और बोन्स भी अफेक्ट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वारफेरिन ड्रग है उसको कंज्यूम करने से हमारी हार्ट हेल्थ, इंसुलिन सेक्रेशन और बोन हेल्थ जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, समझ आ गई। एक्सक्यूज मी मैम, कोई क्वेश्चन? हाँ जी मैम, ये वारफेरिन जो है ये एक ड्रग है या ड्रग की एक टाइप है? ड्रग की टाइप है, क्लास ऑफ ड्रग है, ड्रग की टाइप है। मींस
डिस्प्रीन भी इसकी क्लास की हो गई यानी डिस्प्रीन का फॉर्मूला क्या है डिस्प्रीन जो है वो एस्प्रीन है। हां जी क्योंकि मैम डिस्प्रीन के बारे में मैंने सुना है ना कि वो भी खून को पतला के So, vitamin K के साथ साथ हमारी body में furin enzyme जो है वो एक important role play करता है osteocalcin की synthesis और activation. Furin is also known as the PACE, P-A-C-E, paired base amino acid cleaving enzyme, and it cleaves the target proteins at basic amino acid generating the mature and biologically active polypeptides. So besides the activation and synthesis of osteocalcin, furin ka body mein aur bhi ek important role hai. Wo ye hai ki it activates the envelope proteins of the viruses such as HIV virus, influenza or dengue fever. So furin enzyme jo hai wo virus ko bhi cleave karta hai, jo envelope proteins hoti hain unko cleave karta hai aur is tarah se virus jo hai wo body mein jaake fully functional ho jata hai. ठीक है तो एक तो यहाँ पे आपने HIV और डेंगू फीवर और इन्फ्लुएंजा का देखा जाए इसी तरह फ्यूरिन जो है वो एंथ्रैक्स को और सुडोमोनास को भी जो है वो सुडोमोनास को भी एक्टिवेट करता है. सो अगर हम इनहिबिटर्स ऑफ फ्यूरिन को एज अ ड्रग या थेरेप्यूटिक एजेंट देखें तो हम ट्रीट कर सकते हैं ऐसी इन्फेक्शन को जो कि वायरस की वायरसेस से हो रही है. इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट जो जीन लेवल के ऊपर एक रिसर्च हुई भी है इसमें ये देखा गया कि जो एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूरिन है इन द टी सेल्स इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस. ऑलराइट सो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस क्या होती है आप लोगों को पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के बारे में क्या पता है. हाँ जी बच्चों व्हाट इज पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस. अच्छा जी जहाँ हम इम्यूनिटी की बात करते हैं एक होती है सेंट्रल टॉलरेंस और दूसरी होती है पेरिफेरल टॉलरेंस. ठीक है सेंट्रल टॉलरेंस में आपके जो है वो बी सेल्स और टी सेल्स जो है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहे होते हैं. तो अगर कोई टी सेल और बी सेल जो है सेंट्रल टॉलरेंस से पेरिफेरी में चला जाए तो ऑटो इम्यून डिजीज स्टार्ट हो जाता है. ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है जो बॉडी के हेल्दी सेल को इफेक्ट करने लग जाएगी. ठीक है बॉडी अपने ही डिफरेंट सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है. ये तब होता है जब टी सेल जो है वो सेंट्रल टॉलरेंस से उठ के पेरिफेरल टॉलरेंस में चले जाते. अब जो फ्यूरिन है वो क्या कर रहा है कि ये एक्सप्रेशन ऑफ द फ्यूरिन यानी जो फ्यूरिन एंजाइम है जो आपकी बॉडी में एक्सप्रेस हो रहा है इन द टी सेल्स इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस.
पेरिफेरल इंटॉलरेंस की मेंटेनेंस के लिए फ्लोरिन का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कंडीशनल डिलीशन ऑफ द फ्लोरिन इन द टी सेल्स रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ पेरिफेरल टॉलरेंस व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्टिवेटेड टी सेल्स दैट ओवर प्रोड्यूस द सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज एंड दिस लीड्स टू द ऑटोइम्यून डिजीज सच एज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज. लेकिन इसके साथ साथ फ्लोरिन जो है वो डिफरेंट डिजीजेस वायरल स्पेसिफिकली जो वायरल डिजीजेस है उनमें रोल प्ले करता है. ये उन वायरसेस को एक्टिवेट करता है. तो ये देखा गया कि जब इसके साथ साथ एक और नेगेटिव इफेक्ट इसका ये कि अगर हम ये देखें कि हम फिर इन एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं किसी ड्रग के थ्रू, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फिर डिफरेंट वायरल डिजीजेस वायरसेस की एक्टिवेशन में रोल प्ले करता है. तो अगर हम फिर इन एंजाइम को ऐसी ड्रग यूज करें जिससे हम फिर इन एंजाइम को इनहिबिट करें तो हम वायरसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं. लेकिन ये देखा गया है इसका साइड इफेक्ट ये है कि अगर हम सीरम को डिलीट करेंगे, सीरम के एक्सप्रेशन को कम करें हमारे बॉडी में, उसकी वजह से पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट होती है और उसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज होने के चांसेस हैं. तो अगर हम इन ड्रग्स के थ्रू जो है वो बेशक वायरल डिजीज को ट्रीट करें लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज जो एक्सप्रेशन है या ऑटो इम्यून डिजीज होने के चांसेस और रिस्क फैक्टर जो है वो increase. So that's it for today's lecture. Summarize करती हूँ. सबसे पहले हमने vitamin K के types discuss की, फिर देखा कि vitamin K body में 3 important roles play कर रहे हैं और कैसे role play करते हैं ये one by one आपके साथ discuss किया गया. जो major role अगर मैं आपसे पूछूँ कि vitamin K gene expression को कैसे regulate करता है तो आप मुझे ये बताओगे कि वाइटमिन के जो है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करता है वाइटमिन के डिपेंडेंट प्रोटीन्स की और इसके साथ साथ ये इनडायरेक्टली जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहा है. अब इनडायरेक्टली का मीनिंग ये है कि ये एज अ को एंजाइम एक्ट कर रहा है और फिर पहले को एंजाइम एज अ को एंजाइम एक्ट करके वीकेडी प्रोटीन्स के जो ट्रांसलेशन है उसको अफेक्ट करता है. डायरेक्टली ये जीन्स के ऊपर एक्ट नहीं करता, इनडायरेक्टली एज अ कोएंजाइम एक्ट करके वीकेडी प्रोटीन्स की ट्रांसलेशन या पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ऑलराइट, क्लियर हो गया? यस मैम. तो अब बच्चों ये बात है कि आप लोग जो है जब आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका पूरा आंसर दिया करें और बताया करें कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का क्या मीनिंग है और किस तरह से. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आई एम गोइंग टू एंड द सेशन नाउ. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चंस? जिसने सेशन लीड करना है वो लीड कर दें. हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? All right, so I take it as a no. Allah Hafiz everybody.